हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं आरटीआई का दूसरा पार्ट। ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों की जानकारी पाने के लिए, आरटीआई लगाने के लिए, ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसके पता लगाने के लिए आरटीआई कैसे लगाएं, किस प्रकार से हम आरटीआई के द्वारा पता कर सकते हैं, ग्राम पंचायत में हमारे कौन कौन से कार्य आए हैं और उनको प्रधान ने हमारे करवाया है या नहीं करवाया है, उनसे सभी संबंधित जानकारी को पता लगाने के लिए हम आरटीआई का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पूरी जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत के खर्चे का विवरण हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं, मतलब आरटीआई लगा करके, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें इसमें इस प्रकार से हम लिखते हैं, या पता लगाने के लिए हम जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो इस प्रकार से है कि सेवा में लोक सूचना अधिकारी, और जो जो भी लोक सूचना अधिकारी है आपका, विभाग का नाम, विभाग का पता लिखना है यहाँ, फिर विषय लिखना है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। दोस्तों, इस बात को लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी एक्ट के तहत हम आरटीआई लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ ये विषय सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत आवेदन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम लिखेंगे महोदय, यहाँ पास अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखना है, जिसका जो भी आपका ग्राम पंचायत हो उसका ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है। ग्राम पंचायत के संबंध में, जैसे मेरा ग्राम पंचायत संग्रामपुर है, उसमें लिख दिया संग्रामपुर ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। फर्स्ट है इसमें, जैसे क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन वाइज लिख दिया जाता है, मतलब कि पॉइंट वाइज लिख दिया जाता है, जिससे उसको जिसके पास भेज रहे हैं PIO के पास, उसको पढ़ने में आसानी हो और उसका जवाब देने में भी उसे सरलता हो। इस प्रकार से हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। पहला नंबर इसमें हम करते हैं कि वर्ष के मध्य, मतलब जो जिस वर्ष से आप पूछना चाहते हैं कि मध्य, जैसे मान लीजिए 2014 से 2020 के मध्य ग्राम पंचायत को किन किन मदों या योजनाओं के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है, आवंटन का वर्षवार ब्यौरा दें। इस प्रकार से पहला पॉइंट हमारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं कि उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें, मतलब कि जो भी ग्राम पंचायत आपका नाम ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत का नाम लिखना कि इस ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें। जैसे कि है, पहले इसमें करते हैं हम कार्य का नाम, मतलब कौन सा कार्य कराया गया है, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य के लिए स्वीकृति राशि, मतलब कितनी राशि प्रदान की गई उस कार्य के लिए, कार्य स्वीकृत होने की तिथि दिनांक भी चाहिए, मतलब किस डेट को ये कार्य स्वीकृत किया गया है, कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति, मतलब कार्य कब से चालू हुआ है और कब समाप्त हुआ है इसकी डेट, कार्य करने वाले एजेंसी का नाम, मतलब कौन सी एजेंसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जैसे CC रोड निर्माण हो गया, हैंडपम्प मरम्मत हो गया, ये मतलब कि हैंडपम्प रिबोर हो गया, ये कौन सी एजेंसी के तहत आते हैं और किसने करवाया है इसके बारे में, कार्य शुरू होने की तिथि, कार्य समाप्त होने की तिथि, कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया, मतलब जैसे ठेकेदार होते हैं या ठेका दिया जाता है किसी भी कार्य को ग्राम पंचायत में, तो किस दर पर दिया गया है कार्य का ठेका। नेक्स्ट है, कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, मतलब कि अब तक में कितनी राशि का भुगतान भी कर दिया गया है, कितना बाकी है अभी तक में, कार्य के रेखा चित्र की प्रमाणित प्रति, मतलब जो भी कार्य करवा दिया गया है उसकी जितनी भी रेखा चित्र है उसकी हमें एक प्रति चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए वो भी, कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर दिया गया, मतलब कि जो कार्य हुआ उस कार्य का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया, कि मतलब इसका उद्देश्य क्या है। और फिर नेक्स्ट है कि उसमें इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं, मतलब कि जो भी कार्य करवा रहे हैं उसका हमें प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करवाएं, मतलब जो कार्य हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, उन अधिकारियों या कर्मचारियों का नाम व पद बताएं जिन्होंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी, मीन्स कि जो अधिकारी उस कार्य को करवाए हैं या जो उसमें निरीक्षण में रहे हैं, इंस्पेक्शन में रहे हैं, उनकी जानकारी प्रदान करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य के वर्ग, ऑर्डर रजिस्टर, एम्ब्लोबर रजिस्टर, लेबर रजिस्टर, मास्टर रोल की प्रति उपलब्ध करवाएं, मतलब कार्य के वर्ग, ऑर्डर और रजिस्टर, और मतलब कि लेबर जो भी कार्य करती रही है उनके रजिस्टर में होंगी तो उसको भी उपलब्ध करवाएं।
थर्ड पॉइंट हमारा आता है उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष जो भी वर्ष मतलब जिस उसके हम पूछ रहे हैं के दौरान कार्य योजनाओं पर होने वाले खर्चों की जानकारी निम्न विवरणों के साथ दें। अब इसमें देखते हैं इसमें कैसे है। पहला पॉइंट इसका है कार्य का नाम जिसके लिए खर्च किया गया, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य करने की स्वीकृत राशि, कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम, कार्य शुरू होने की तिथि, कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति, कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया, इसी समय दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवाएं। इस वो पीछे जैसे ही है इसमें भी इस तरह करना है, इस तरह क्वेश्चन लिखने हमें। फिर अंत में लिखना है मैं आवेदन फीस के रुपये में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर लेडीज कर रही है तो कर रही हूँ, अगर जेंट्स तो कर रहा हूँ लिखेंगे। मतलब कि जब RTA लगाते हैं उसमें हमें 10 रुपये फीस के रूप में देनी पड़ती है, तो आप उस फीस को या तो ऑनलाइन ही करवा सकते हैं या आप ड्राफ्ट बनवा के दे दें या तो आप उसमें 10 का नोट लगा के दे देते हैं। अगर कोई BPL कार्डधारी है तो उसके लिए शुल्क नहीं लगती, मतलब उसके लिए शुल्क मुफ्त है। तो अगर कोई BPL कार्डधारी तो उसको अपना BPL कार्ड का नंबर यहाँ लिखना होता है। यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 63A का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं ताकि हम जानकारी ले सकें। फिर आगे हम अपना पता लिख देंगे, नाम लिख देंगे यहाँ, नाम जो भी इसके जो भी नाम है आपका जो फिल कर रहा है, पता अपना हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, और अगर आपके पास कुछ प्रमाणिक मतलब कि कुछ आपके पास है तो यहाँ संलग्न कर सकते हैं लास्ट में, यदि आपके पास कुछ हो तो संलग्न भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम RTI को वीडियो पूरा बना चुके हैं, मतलब कि RTI इस प्रकार से लगाते हैं हम ग्राम पंचायत से कार्यों का विवरण जानने के लिए, और ग्राम पंचायत के विवरण आराम से जान सकते हैं जिससे ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनसे कार्य का विवरण आराम से जान सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।